कि हमारा एक बहुत महान दलित नेता था, बाबू जगजीवन राम। वो जबरदस्ती एक मंदिर में गया, उसके बाद मंदिर को दूध से धोया गया, और अभी भी दलितों के लिए जो कुछ हुआ है उसमें भी आप देखेंगे जो उनकी आरक्षण है नौकरियों में, जो ग्रेड डी नौकरियां हैं, मैं सफाई कर्मचारी, वहां उनकी 73% आरक्षण पूरा है, मतलब 12.5% में से 73% वहां है। मगर जब ग्रुप ए में और ग्रुप बी में डालते हैं तो वहां वो कम है। तो जो नरमी है ना, जो तुष्टिकरण है, वो सवर्ण हिंदुओं के लिए है ज्यादा। तो आंकड़े हमारे पास हैं, बट ये लोग आंकड़े नहीं समझते, नहीं मानना चाहते हैं। और ये एक तरीका भी है कि जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, या जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां बन सकते हैं, उनको बांटा जाए कि देखो आपको नुकसान हो रहा है, मुसलमान को इतना मिल रहा है, देखिए आपकी गरीबी ये है क्योंकि दलित और ओबीसी के लिए आरक्षण है तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सब झूठे अफवाहें हैं और उनको हमें समझना चाहिए और इसकी आलोचना करके फिर विकल्प पे आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि नौकरियां बढ़ाया जाए, कि जोर पूंजी पे नहीं बट श्रम पे डाला जाए, और इस तरह से विकास हो जहां श्रम बढ़े और फिर रोजगार वगैरह बढ़े। ये जो एजुकेशन को लेके जो बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जो सड़ा है हमारा उसका पहला स्टेज नहीं है, काफी बढ़ गया है। जिस तरह से खानगीकरण व्यापारीकरण जो एजुकेशन का हो रहा है उसमें, लेकिन एक जो नई बात अभी आई कि हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चनिंग नहीं करने दे, अगर मैं आउटसाइडर नहीं पढ़ा पाऊंगा कि जो पादरी को ऐसा बोले कि मुझे नहीं सुनना है यीशु के बारे में, वो मरसोल्ट अगर पूछता है तो यूनिवर्सिटी में अगर आउटसाइडर में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारी जो सत्ता है धर्म सत्ता राज्य सत्ता उसको क्वेश्चनिंग नहीं करने देंगे तो हायर एजुकेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ जिस तरह से आप गुजरात में देखिए क्वेश्चनिंग नहीं करने का, जो आप जानते होंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में जो हुआ कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं रख सकता हूँ कभी भी, तो ये माहौल इतना बढ़ गया है कि जगह जगह जो रिक्रूटमेंट हो रही है, चाहे वो रजिस्ट्रार की हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो, वो छोटे छोटे पैमानों पे, जो जैसे कि गुजरात में अभी 3,000 पुलिस कर्मचारी जिसको अभी पुलिस सहायक बोलते हैं वो लिए गए, उसमें एक आदमी अपनी प्रचार सभा में बेझिझक बोलता था, ये मैं उनको बताऊंगा जो मुस्लिम की बात कर रहे थे, कि हमने एक भी मुस्लिम को पसंद नहीं किया है। और जब मैं जहां पुलिसों को तालीम देते वहां गया तो उनके बेज था जिस पे लिखा था जब कंपलसरी वो बेज लेना है, 5 रुपये फिर जाना है मार्च करने के लिए, वो बेज पे लिखा है धर्म सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा भी नहीं, अब राष्ट्र भी चला गया। तो ये जो सड़ा है उसका काफी स्टेज बच गया है, बढ़ गया है। तो हमारी ये छोटी छोटी मीटिंगों से, क्या जो एजाज अहमद भी कहते हैं कि बातें इतनी बहुत हो गई है कैसे करना है, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट स्टेट गवर्नमेंट की राम है और नरेंद्र मोदी है, तो ये कैसे हो सकता है? जब हमारा स्टेट सेक्युलर हो तो राम और नरेंद्र मोदी रखना, और स्टेट ये कोई बीजेपी बीएचपी की जाहिरात नहीं होती। नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमारी धर्मनिरपेक्ष स्टेट है उसमें कुछ कमजोरियां हैं, मगर जहां तक ये शिक्षा की बात और सभा की बात की प्रश्न पूछे जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो उस पे आपकी बात सही है कि पूछताछ ज्यादा होनी चाहिए, और एक लोकतांत्रिक शिक्षा की मतलब यही है कि पूछताछ हो। मतलब अब तो हमारे विश्वविद्यालय में काफी
काफी लोग स्टूडेंट असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब छात्र को एक क्वेश्चनर देते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि क्या हमें ढंग से पढ़ाया गया, यदि हमें कुछ समझ में नहीं आया तो क्या वो समझाया गया, क्या जो किताब हमें दी गई जो कोर्स स्ट्रक्चर था वो उचित था, क्या हमें ये पसंद आया, क्या हमें लगा इससे लाभ हुआ इत्यादि हम आम लोग पूछते हैं। तो शिक्षा को जो यूनानी समय से शिक्षा को डायलॉजिक कहते थे कि दोनों तरफ से बात होती है और दोनों तरफ से प्रश्न होती है, और ये हमारे यहाँ शिक्षा में कमी है, ये तो मैं मानता हूँ ये कमी है, और समाज में भी ये एक बात है कि आपस में बातचीत होना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। यदि आपको लगे कि मुसलमानों के लिए तुष्टिकरण की जा रही है तो फिर बातचीत हो और आपस में तय किया जाए। आखिरी बात यह है कि जो लोग अपने आप को राम के साथ जोड़ देते हैं, अब उसके लिए कानून भी हो, मगर उन्होंने बाबरी मस्जिद इसलिए तोड़ दिया कि वो राम की मंदिर चाहते थे। यदि आप अयोध्या गए हैं तो अयोध्या में कई मंदिर हैं जहां कहते हैं कि राम पैदा हुआ था, तो राम की कोई अकोमोडेशन प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो बीजेपी की अकोमोडेशन प्रॉब्लम थी कि उनके पास संसद की कमी थी। और एजाज जब कहते हैं कि बात बहुत हो गया, वह एजाज का मतलब ये भी है कि अब समय आ गया है सड़कों पे उतरना, मीटिंग्स करना, मगर सड़कों पे उतरना में मीटिंग्स भी होनी चाहिए ना, और मीटिंग्स में आप लोगों को संबोधित कैसे करेंगे? यदि आप कहेंगे कि अनिल चौधरी और कमल नीतीश चुनाव भाषण देंगे, लोग सोचेंगे यार कि हमें अपने देश का इतना नहीं पता कि दिल्ली से दो लोगों को बुलाना पड़ा। मगर यदि आप नाटक करेंगे, गाना गाएंगे, तो लोग इकट्ठे होंगे, फिर वो आपकी बात सुनेंगे। तो इसीलिए इन, मैं तो समझता हूँ इन गोष्ठियों का बहुत महत्व है, और मैं तो हेन भाई को कहना चाहता हूँ कि यदि खास तौर पे गुजरात में यदि मेरा कोई देन हो सकता है तो यदि मैं उस समय आ सका तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। जहाँ तक गुजरात की बात है या सारे देश की भी बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम अभी बहुत बड़ा है कि जो ऑप्रेस करने वाला है वो इनविजिबल हो गया है, अदृश्य है, और ऑक्टोपस की तरह उसने बहुत सारे पांव फैला दिए हैं, तो पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरुआत करें। जैसे गुजरात में एनजीओ सेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, गरीबों के साथ काम किया, लेकिन जब रायट्स हुए तब तो मिडिल क्लास ने और इंटेलेक्चुअल लोग उसमें शामिल हुए और जोरों से शामिल हुए। अब किसके साथ काम करें? इंटेलेक्चुअल्स के साथ करें, मिडिल क्लास के साथ काम करें, गरीबों के साथ काम करें? तो बहुत कंफ्यूजन है, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, किसको साथ लेके करें, और इसमें थिएटर करने वालों की भूमिका क्या है, क्योंकि थिएटर के ऊपर भी मार्केट इतना हावी हो रहा है, उसमें थिएटर वालों को भी टिकना मुश्किल हो रहा है, कैसे करें? गाना भी कैसे गाएं जहां बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है, जहां हमारी स्क्रिप्ट्स को भी उसके ऊपर भी कटौती आती है, सेंसरशिप आती है, जहां हॉल के रेंट्स भी 8,500-9,000 हो रहे हैं, फंडिंग एजेंसीज ने थिएटर को फंड देना बंद कर दिया है, थिएटर के काम को फंड देना बंद कर दिया है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, या लोगों के प्रेफरेंस से पूरी सांस्कृतिक प्रक्रिया ही अब निकल गई है, और टीवी का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि आर्टिस्टों को भी अपनी अपनी खुद का पेट भरने के लिए कई कई प्रकार के काम करने ही पड़ते हैं, गुजरात में करें क्या? मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम इस बात पे थोड़ा चिंतन करें कि ऐसा क्यों है
कि जो समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन वो एक अपवाद के रूप में सामने आते थे, एक्सेप्शन की तरीके से, रूल नहीं थे, मतलब लगातार नहीं थे। हम लोग अपनी पहले की ज़िंदगी अगर याद करते हैं तो लगता है कि 2 साल में 5 साल में 10 साल में कुछ इस तरीके का होता था, जिससे थोड़ा समाज झंझकोर दिया जाता था। इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिनों बाद हुआ करते थे, लेकिन आज जिस हालातों में हम जी रहे हैं उसमें ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन गई है, लगातार है, सतत कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सतत रूप से चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और दूसरी चीज़ जो इस समय देखने को मिलती है कि चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सतत रूप से चल रहे हैं, कंटिन्यूस एकदम पार्ट ऑफ दी सोशल फंक्शनिंग हो गए हैं लगातार, तो इनका करेक्टर के अंदर भी बहुत सारा फर्क आया है और इनका दायरा बहुत व्यापक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? और मुझे जो थोड़ा सा सूत्र इसका दिखाई देता है वो हिरेन भाई के दूसरी कंसर्न के बारे में सोचने दिखाई देता है। अभी हाल में एक किताब आई है जो मैं पढ़ रहा था, कल भी जिक्र कर रहा था मैं कमल से उसका, वो ये बताती है कि हम पूंजीवाद के जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर का जो सबसे कामयाब तरीका है अपने मुनाफे की व्यवस्था को बनाए रखने का वो कॉन्फ्लिक्ट है। आज के कॉन्फ्लिक्ट जो जिनसे हम गुजर रहे हैं ये स्वतः पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, बल्कि ये कहीं से थोपे गए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये बोलते हैं, ये कहते हैं, ये किताब बताती है कि 70 के दशक में जब इसी आर्थिक व्यवस्था को लैटिन अमेरिका में बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी तो सीधे सीधे अमरीकी खुफिया एजेंसीज और उनकी फौजी एजेंसियां वहां के अध्यक्षों राज्याध्यक्षों की हत्या करके साजिश करके सरकारों में परिवर्तन करके इस नीति को लागू किया करती थी, और उस टाइम पे एक बहुत यंत्रणा देने के बड़े सारे प्रयोग किए गए, और उस यंत्रणा के प्रयोगों के द्वारा जो सीख निकली उस सीख को आज जो है पूरे पूरे समाजों और देशों पे लागू किया जा रहा है, सिर्फ व्यक्तियों पे नहीं। तो उसमें सीख जो निकाली गई वो ये कि जो शॉक्स दिए जाते हैं यंत्रणा के तौर पे, जिन लोगों से कुछ कबुलवाना होता है तो उनको विभिन्न तरीके की यंत्रणाएं दी जाती हैं, जिसमें से कि बिजली का शॉक देना भी हुआ करता था, ये हमने सबने सुना हुआ है। और इससे निकला कि वो शौक को जो चीज़ हम उसको बार बार बताते हैं वो वही मानने लगता है और वही बयान वो दे देता है। तो इस चीज़ को पूरे पूरे समाजों के ऊपर और देशों के ऊपर लागू किया जा रहा है कि कुछ ऐसा घटा दो देश में कि पूरा देश सदमे में आ जाए, शॉक्ड हो जाए, और जब पूरे देश की चेतना शॉक्ड होगी तो उस समय आप किसी भी तरीके की आर्थिक नीतियों को लागू करवा सकते हैं आसानी के साथ। आप में से सबको याद होगा कि 1990 के अंत में एक चुनाव अभियान के दौरान हमारे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या से बड़ा एक शॉक वाली स्थिति जो है वो पैदा की गई, और उसी के बाद जो सरकार ने 91 में बन के आई जिसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने संसद में घोषणा कर दी कि अगर 21वीं सदी में हम जाना चाहते हैं तो सब लोगों का बोझा लेकर के नहीं जा सकते, यानी कि अब हमें ऐसी नीतियां चलानी हैं जो सब लोगों को एक साथ ले जाने वाली ना हो करके बल्कि कुछ लोगों का भला करने वाली। तो ये जो प्रश्न उठाया था हिरेन भाई ने कि गुजरात में SEZ बनते जा रहे हैं, जितने पूरे हुए हैं वो गुजरात में ही पूरे हुए हैं और जगहों पर अभी अटके हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? तो हमें लगता है कभी कभी उस किताब के जरिए से कि 2002 में जो शॉक दिया गया गुजरात की चेतना को, उस चेतना ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति डाली जा सकती है जो सहज स्वीकार कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि गुजरात का समाज सदमे में है, शॉक्ड है।
और यही चीज हमें ये भी बताती है कि जैसा अदिति कह रही थी कि आज जो हमारा दुश्मन है वो अदृश्य हो गया है, क्यों? क्योंकि आप किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये जो पूरी व्यवस्था चल रही है, बाजार की व्यवस्था, मुनाफे की व्यवस्था, ये व्यवस्था ऐसे हालात पैदा करवा रही है कि ऐसा हो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका सूत्र, इसको अगर हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका सूत्र इसमें हमें मिल सकता है कि अगर हम ये बात समझ पाएं कि किस तरीके से आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बाजार का विस्तार किसी भी तरीके से संभव नहीं है, मतलब हम इसको कहते हैं कि हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों तरीके से मार्केट के एक्सपेंशन की कोई पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में नहीं है। ये इससे जो हालत पैदा होते हैं वो ये है कि जिनको ये इंश्योर करना है कि उनके आने वाली जनरेशन्स भी प्रॉस्परस बनी रहें, संपन्न बनी रहें, तो उनको इन्हीं इसी बाजार के अंदर से लगातार खींचते चले जाना है। और यही वो वजह है कि आज भोजन, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं इंसान की, उनको मुनाफे का निशाना बनाया जा रहा है। और इनको मुनाफे का निशाना बनाए जाने का एक असर है आमने सामने की लड़ाई। अब कोई एडजस्टमेंट की बीच की गुंजाइश कम होती जा रही है, क्योंकि अगर रिलायंस फ्रेश को मुनाफे से चलना है तो रिलायंस को जितनी भी कड़ी है उसकी, उस पर सब पे कब्जा करना है, यानी कि उत्पादन से लेकर के कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और रिटेलिंग, ये सब अगर रिलायंस करेगी तभी वो कंपनी हर साल अपने शेयर धारकों को और ज़्यादा पैसा दे पाएगी। इसलिए खेती की ज़मीन, जो हमारी पॉलिसी नीति कहती है, लेस एफिशिएंट हाथों से निकल करके मोर एफिशिएंट हाथों में जानी चाहिए। और एफिशिएंट आज के ज़माने में कौन है? वो है रिलायंस, यानी कि कॉरपोरेशंस। तो ये जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा है प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे को लेकर के, और इसमें सफलता पाने के लिए जो आज के संपन्न और प्रभुत्व वर्ग हैं, उन्होंने पूरे तरीके से शॉक की स्थिति पैदा करना एक बहुत अच्छा रास्ता पाया है, और वही हमारे सबके सामने घट रहा है। और जो अगर मैं इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है कि कहते हैं जेस्टेशन पीरियड होता है, अभी इतनी तेज़ी से चीज़ें घट रही हैं कि उनके सूत्र और मूल स्रोत जो हैं उनको समझने पकड़ने में समय लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे पकड़ में आ रहे हैं वैसे वैसे वो सिर्फ थिएटर नहीं बल्कि कला की और भी तमाम विधाओं में परिलक्षित हो रहे हैं। धन्यवाद। हम जब स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे तब वो कर्नाटक गजा रहे थे स्ट्रीट थिएटर से, सोचते थे कि वो किस तरह करते हैं, जाने उसके बारे में, ये वो आदमी है। उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, यूं तो मेरे पास 3-4 पेज का बहुत बड़ा सीवी है उनका, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि वो करने के बाद उन्होंने जिस तरह से थिएटर किया है, उसको जो दिशा दी है, वो वहाँ तक कि मैसूर में रंगायन जो कारण साहब ने एस्टैब्लिश किया था, वहाँ डायरेक्टर रहे, प्रोसेनियम और स्ट्रीट दोनों में काम किया, काफ़ी काम किया, उसके बाद हेगुड़ू में गए, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है हेगुड़ू, और वहाँ काम करने के बाद वहाँ वणकर लोगों के साथ अभी जिस तरह से काम कर रहे हैं,
मैं हालांकि इतना ही कहूंगा कि मेनी फेसेटेड पर्सनालिटी के बारे में कुछ चंद शब्दों में या चंद मिनटों में बोला नहीं जा सकता। उनका परिचय तो उनके प्रवचन से हमें लगेगा और इसके बाद ओपन सेशन है, उसमें भी हम उनसे बात करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो मैं विनती करूंगा कि प्रसन्ना जी अपना वक्तव्य दें। थैंक यू। आज के जो विषय है नेशनल कंसल्टेशन ऑन थिएटर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एंड बीच में लगा दिया है उसमें एक हिस्सा तो सुबह हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा सुबह उसका जिक्र हुआ है, बाहरी हिस्सा देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, इस देश में और समाज में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में सुबह चर्चा हुआ है। मैं अंदरी हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि थिएटर के अंदरी हिस्से के बारे में बात करूँगा, वो सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि बाहरी हिस्सा उन्होंने बोल दिया है सुबह के वक्ताओं ने, पर इस अर्थ में भी ये अंदरी हिस्सा मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के बात हम कर रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। इसको नहीं मानते हैं तो थिएटर को कोई स्थान मिलेगा ही नहीं। सुबह इसका चर्चा हो रहा था कि थिएटर इसलिए चाहिए ताकि एक भूमिका बनाए और उसके बाद में लोग आके बोले। मुझे नहीं लगता है कि थिएटर को कोई फंक्शन में भूमिका निभाने का, मुझे नहीं लगता है कि हमारे भाषा, हमारे थिएटर, हमारे संगीत या कोई भी ऐसे भूमिका निभाने का, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो संघर्ष है उसके अंदर है। और आज के जो ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इसीलिए शायद आ रहा है कि हम अंदर के तरफ देखना भूल गए हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, जब हम एक्टर के साथ काम करते हैं और उनको हम कहते रहते हैं कि भैया तुम्हारे पात्र को कैसे निभा रहे हो, शुरुआत में उस एक्टर का व्यक्तित्व होता है, सिर्फ व्यक्तित्व होता है, पात्र तो प्रिंटेड नाटकों में होता है, पात्र होता ही नहीं है। अंत में सिर्फ पात्र होता है, व्यक्तित्व और पात्र एक ही बन जाता है। ये प्रोसेस क्या है? मतलब शुरू में मैं हूं, अंत में मैं नहीं हूं, पात्र है। इसका जो प्रोसेस है 30 दिन का, 40 दिन का या 50 दिन का जो प्रोसेस है जिससे हम बार बार निभाते हैं, वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ही संघर्ष का प्रोसेस है। मतलब वो आसानी का प्रोसेस नहीं है। एक एक्टर जब एक पात्र को लेना चाहता है उसके साथ वो संघर्ष करता है। इतना आसान भी नहीं है कि मैं कुछ कपड़े पहन लिया, इस बार तुगलक का कपड़े पहन लिया और तुगलक बन गए, अगले नाटक में कुछ दूसरे कपड़े पहन लिया या मूछे पहन लिया या चश्मा पहन लिया तो दूसरा पात्र हो गया। ऐसे सोचते थे हम, अभी भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मगर थिएटर का खूबी यह है कि वो आसान नहीं है। थिएटर का खूबी यह भी है कि
थिएटर और भाषा गुजराती या हिंदी या कन्नड़ या बंगाली के जो रिश्ता है वो भी आसान रिश्ता नहीं है। वो रिश्ता इतना मुश्किल है, नाटक करते वक्त हमें एक ग्रंथ दिया जाता है, प्रिंटेड टेक्स्ट दिया जाता है, उसको हम मौखिक टेक्स्ट ओरल टेक्स्ट बनाते हैं और फिर से वो मौखिक टेक्स्ट समाज में जाता है। समाज में जो मौखिक परंपराएं है, जो जैसे लोग आम जिंदगी में बोलते हैं, उसको हम फिर से पकड़ते हैं। तो एक ऐसा चक्कर चलता रहता है नाटक और रंगकर्म के बीच, नाटक और समाज के बीच, एक्टर और ऑडियंस के बीच, ये चलता रहता है। वो चलन के लिए ही हमें नाटक चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं नाटक दूसरे साहित्य से बड़ा है, क्योंकि दूसरे साहित्य में ये जो चलनशीलता है वो नहीं होता है, सिर्फ नाटक में होता है, जहां तुम्हें बहुत जरूरी है कि प्रेक्षक लोगों के आंख में आंख डालकर बोलना है और जो वो कहेगा उसको मानना है हमें। जब प्रेक्षक गण तुम्हारे बात नहीं मानता है, वहां संघर्ष है ही नहीं है, मुझे मानना पड़ेगा कि वो नहीं माना है। ऑडियंस के अंदर जो बैठे हैं वो लोग जब मुझे नहीं मानते हैं, मुझे मानना है कि वो नहीं माना है। ये है कि वो ना मानने के लिए झगड़ा नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते हैं, वो सहृदय है, वो सहृदय की जो गांठ है वो हम दोनों को बंधा है। उस गांठ के अंदर से मुझे उनको मानना है, वो जो सोचते हैं उसको मानना है। उस वजह से मैं समाज के तरफ देखते रहना, उससे सीखते रहना बहुत जरूरी है। ये जो रिश्ता है वो जब हम नहीं समझते हैं, उस वक्त हम बाहर के कॉन्फ्लिक्ट को देखना शुरू करते हैं। मैं ये बात इसीलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात बाहरी कॉन्फ्लिक्ट को नकारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ताकि हम बाहरी कॉन्फ्लिक्ट और अंदरी संस्कृति के जो रिश्ता है वो ठीक तरह से समझ जाए, ताकि हमें बाहरी कॉन्फ्लिक्ट में जब मोदी आ जाए या देवेगौड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, हम संभाल सके। प्रॉब्लम क्या है मोदी या देवेगौड़ा या मनमोहन सिंह के, वो बाहर से देखते हैं, वो पॉलिटिकल ढंग से देखते हैं संस्कृति को, वो भी सही है, मगर वो पूरा सही इसीलिए नहीं है कि वो बाहर से देख रहे हैं। वो आपको देना चाहते हैं, अच्छे संस्कृति को देना चाहते हैं, अच्छे भारतीयता को देना चाहते हैं, वो गलती करते हैं। और एक को देने में दूसरे को वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। थिएटर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि थिएटर में देखने वाले और करने वाले का रिश्ता होता है और वो रिश्ता बहुत चलनशील होता है, इतना चलनशील होता है कभी कभी मैं करता हूं और कभी कभी वो देखते हैं, कभी कभी वो देखते हैं मैं करता हूं। ऐसी चलनशीलता एक समुदाय के अंदर जब नाटक होता है, बंगाली में जब नाटक होता है, कन्नड़ में जब नाटक होता है, वो चलनशीलता बना के रहता है। उस वजह से ये जो सांस्कृतिक जो अंडरस्टैंडिंग ठीक रहता है। ये सिर्फ बुद्धि का नहीं है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम नाटक वाले इंटेलेक्चुअली बोल ही नहीं पाते। जब कारण जी बोलते थे हम लोग हंसते थे, क्योंकि वो इतना आधा सेंटेंस बोलते थे और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, पर हम
वेट करते रहते थे, कभी वो इतना भारी मतलब इतना डेंस बात कहते थे। सो ये जो थिएटर का जो संवाद है समाज के साथ, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल संवाद नहीं है, वो पूरा एक संस्कृति का संवाद है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब मुझे वो डायलॉग दिया जाता है, उसको बोलने के लिए जो तैयारी मैं करता हूं, उसमें मैं अपना गेस्चर निकालना पड़ता है। मतलब मेरे डायलॉग सिर्फ सुनाई ना पड़े, दिखाई पड़े। जब तक मेरा डायलॉग दिखाई नहीं पड़ता है, तब तक वो ठीक डायलॉग नहीं होता है। जो दिखाई पड़ने में जो मैं मीनिंग डाल देता हूं, वो मीनिंग अपना होता है। सो ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत गहरा है, हमें आज इसको जानने का बहुत जरूरी है। थिएटर इसीलिए संकष्ट में पड़ चुका है क्योंकि हम इस ये जो रिलेशनशिप है वो हमने हटा दिया है। 20वीं सदी के शुरुआत में थिएटर एक ऐसा माध्यम था, उससे पूरे समाज को अपना एंटरटेनमेंट, अपना शिक्षा, अपना सामाजिक बद्धता सब मिलता था। और कैसे मिलता था? पारसी थिएटर के थ्रू, फोक थिएटर के थ्रू, नौटंकी, तमाशा, ये सब मिलाकर सिर्फ नाटक लोगों का ये एंटरटेनमेंट और ये शिक्षा का जिम्मेदारी निभाता था। उसके बाद में ऐसा एक स्लोली ऐसा हो गया, सिनेमा आया तो कुछ एंटरटेनमेंट का जो हमारा जिम्मेदारी था वो सिनेमा ले लिया। उसके बाद में टेलीविजन आया तो और ज्यादा एंटरटेनमेंट का जिम्मेदारी टेलीविजन ने ले लिया। अब ऐसा वक्त आ गया है कि एंटरटेनमेंट का जो मनोरंजन का जिम्मेदारी थिएटर के साथ था, वो थिएटर के साथ है ही नहीं। एंटरटेनमेंट का जिम्मेदारी तो हट गया, बाकी दो जिम्मेदारी था वो हमने हटा दिया। हमने भूल गए हैं, शिक्षा के जिम्मेदारी है और समाज के साथ समाज का जो संघर्ष का जिम्मेदारी है वो हमने भूल गया है। हम ऐसे इतने अपने अंदर खो गए हैं तो लोग पूरे समाज थिएटर को भूल गए हैं। समाज अभी भी थिएटर के बारे में सोचता है, सोचता है तो किसके बारे में सोचता है? पुराने जो लोग थे उनके मेमोरी, उनके याददाश्त में अभी भी समाज है, मगर आज के थिएटर के लोगों के बारे में समाज सोचता ही नहीं है। और समाज ये कह रहा है कि भैया तुम जाओ, बॉम्बे जाओ या टेलीविजन में जाओ, कुछ करो ताकि तुम थोड़ा हमें दिखे। तो आज थिएटर के लोगों को दिखना है तो टेलीविजन के माध्यम से दिखना है या फिल्म के माध्यम से दिखना है। ऐसा परिस्थिति शायद हमने ही क्रिएट कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में सोचने से पहले हमें थिएटर का जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, थिएटर का जो स्पेस इतना कम हो गया, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसको कैसे वापस लिया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो हमें सोचना है। हम काफी साल से इस समाज को कहा नहीं कि भैया थिएटर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, करने के लिए है। हमने कहा नहीं, सोसाइटी से, मां बाप से हमने कहा नहीं,
कि तुम्हारे बेटे के लिए थिएटर जरूरी है ताकि वो बच्चा सीख जाए कि कैसे इस समाज को वो संभाले। एक बच्चे को अपने समाज को संभालने के लिए थिएटर जरूरी है, आइडियोलॉजी के लिए नहीं। आइडियोलॉजी तो कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी बुक्स में मिल जाएगा, मगर मेरे बात, मेरे अपने बात रखने के लिए कैसे रखूं मैं, मेरा जो स्टेज फियर है उसको कैसे मैं निपटाऊं, ये करने के लिए थिएटर जरूरी है। सुबह हमने इंद्रधनुष के बारे में बात किया और बहुत अच्छा एक प्रश्न आया कि इंद्रधनुष तो हम भी प्रयत्न कर रहे हैं इंद्रधनुष बनने का, और वो भी प्रयत्न कर रहे हैं इंद्रधनुष बनने का, और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं और हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, क्यों? हम इसलिए अनसक्सेसफुल हो रहे हैं कि हम ये जो संस्कृति का जो समस्या है उसको हमने भूल गए। सिर्फ हम ऊपरी बात कर रहे हैं कि यहां इस समाज में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सबको मालूम है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मगर लोगों को, लोगों के जो भाषा के ऊपर जो टेंशन है, संस्कृति के ऊपर जो टेंशन है, उसको मिस्टर अद्वानी जी निभा रहे हैं, गलत ढंग से निभा रहे हैं, अर्धसत्य बोल रहा है, मगर कुछ तो बोल रहा है। हम क्या बोला है, हमने क्या किया है ये 20, 30, 40 साल में क्या किया है हमने? हमारे देश में जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने उसके लिए एक मूवमेंट चला, उस मूवमेंट के सामने थे लेफ्ट पार्टीज। लेफ्ट पार्टीज लेड दिस मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब गुजरात एक समुदाय, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना, तो उसमें थे लेफ्ट मूवमेंट। उसके बाद में हमने भूल गए, जब भी भाषा के बारे में एक प्रश्न उठता है लेफ्ट के लोग उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है, सिर्फ रटते रहते हैं कि इकोनॉमिक डिमांड्स, इकोनॉमिक डिमांड्स, पॉवर्टी। अरे भैया, पोअर लोगों को जब पॉवर्टी के बारे में इतना प्रॉब्लम नहीं है, जब पोअर लोगों को, जब उनको केरल जैसे स्टेट में शबरीमले जाने का इतना शौक है, ये शौक नहीं है शबरीमले जाने का, तो हम क्यों उसके तरफ ना देखें? ये जो हजारों लोग जब शबरीमले जाते हैं, इस बार उस वहां के जो लेफ्ट चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी गया है, क्यों जाते हैं वहां? उनका जो सोशल रेजोल्यूशन है वो होता है शबरीमले में। जब शबरीमले जाते हैं तो वह दलित, अछूत, औरत, मर्द सब एक होके जाते हैं और लोग जा रहे हैं। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं वहां हम जुड़ जाते हैं तो हमारा जो ये धार्मिक ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत हो जाएगा। मुझे लगता है नहीं गलत होगा, मुझे लगता है सिर्फ एथिज्म को रखे रहना लेफ्ट का प्रोग्राम नहीं है। भाषा के बारे में ना बोलना लेफ्ट के प्रोग्राम नहीं है, और मुसलमानों के बारे में बोलना हमारा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मुझे, मैं 92 में जब ये बाबरी मस्जिद गिर रहा था उस वक्त मैं मेरे वामपंथीय दोस्तों को बार बार मैं कहते आया हूं, अभी भी कहता रहा हूं कि भैया तुम जितने मुसलमानों के बारे में बोलते हो उतना मोदी को वोट दिलवा रहे हो तुम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मुसलमान पे जो अटैक हो रहा है वो सही है, नहीं।
मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमें अंदर देखना है, अंदर से काम करना है। वो अंदर इस देश में अब तक हिंदू को भी है, मुसलमानों को भी है, वो टूट रहा है, उसके बारे में हम चिंता करें। जब हम ग्लोबलाइजेशन के बात करते हैं, सही है, ग्लोबलाइजेशन इज द रियल प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ग्लोबलाइजेशन? द प्रॉब्लम विद ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट इज डिस्ट्रॉइंग योर मेमोरी, इट इज डिस्ट्रॉइंग कम्युनिटीज। एंड लेट मी टेल यू दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज नो वे ऑफ रिएक्टिंग बियॉन्ड हिज और हर ओन कम्युनिटी, वी विल हैव टू फेस दिस। मतलब मुझे रिएक्ट करना है तो मेरे सामने एक कोई मर रहा है या कोई भूखा है तो मैं रिएक्ट कर सकता हूं, करता हूं, नहीं करता हूं तो गलत है। जब उस कम्युनिटी से बाहर चला जाते हैं, इतने बड़े बड़े विश्व के जो मार्केटिंग ये हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम आता है। तो वी हैव टू एक्चुअली लुक एट दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव लॉस्ट, द मेमोरी दैट वी हैव लॉस्ट, द कम्युनिटीज दैट वी हैव लॉस्ट, द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू रेस्पॉन्ड टू ईच अदर, दैट वी हैव लॉस्ट। सो वी हैव टू गेट दैट बैक। आई थिंक इफ यू कैन गेट दैट बैक देन मे बी वील बी एबल टू फेस द यू नो द अदर्स। आज ये जरूरी है इस देश में कि हम सब मिलकर हमारे समाज को, हमारे सरकार को और अपने को, मतलब थिएटर प्रोफेशनल्स को, ये बताए कि थिएटर को वापस कैसे, उसका जो स्पेस है वो कैसे बनाया जाए। ऐसे बात हम बहुत आजकल, रुद्रदा यहाँ है, बहुत दिन से इसका चर्चा जिक्र हो रहा है हमारे बीच में। फॉर एग्जाम्पल थिएटर इन एजुकेशन, इवन इन 70s और इन द 60s, मैं कन्नड़ के उदाहरण देता हूँ आपको। कन्नड़ में करीब 20-25-30 नाटककार होते थे, वो सिर्फ बच्चों के लिए नाटक लिखते थे और उस नाटक को वो छपाते थे। वो छोटे छोटे नाटक होते थे, 20 पेज या 30 पेज का, और उस नाटक को हजारों परफॉर्मेंसेस होता था स्कूल्स में, साल में 1-3 बार वो करते थे और ऐसा चलता था। आज एक भी ऐसा नाटककार बचा नहीं है कन्नड़ में, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने एक पूरा एक मूवमेंट चला लिया। और उस मूवमेंट का मुद्दा क्या था कि ये घटिया नाटक है। मतलब ये जो बच्चों के लिए लिखा जाता था, वो कॉमेडी जो भी हो, उसको घटिया बनाने के लिए हमने एक मूवमेंट चलाया। पॉपुलर थिएटर जो था उसको घटिया दिखाने के लिए हमने मूवमेंट चलाया। हमारे जो मिडिल क्लास एलियनेशन है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए हमने मूवमेंट चलाया। आज वही मिडिल क्लास मोदी के साथ है, आज वही बुद्धिजीवी वर्ग जिसके बारे में हम इतना इससे बात करते हैं, वो उनके साथ है। और लोग जो तब भी भूखे थे, अभी भी भूखे हैं, वो वही रहे हैं। डिटेल्ड डिस्कशन होना है तो हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मुद्दा आप झेल रहे हैं, यहां जो स्टूडेंट्स बैठे हैं थिएटर के स्टूडेंट्स, वो झेल रहे हैं, उनके सामने है ये दुविधा, जाए या नहीं जाए। नहीं जाता हूं बॉम्बे तो क्या करूं, रोजी रोटी के लिए मैं क्या करूं? रोजी रोटी छोड़िए, सोसाइटी मुझे मेरे तरफ देखता भी नहीं है तो मैं एक्टर बन के क्या करूं? थिएटर वालों के लिए एक तो हमारा डिमांड है कि भैया मुझे, मेरे तरफ देखो, मुझे खाना नहीं दे दो कोई बात नहीं, मगर मेरे तरफ देखो और एक ताली बजाओ। तो यहां ताली नहीं मिलता है
यहाँ लोग मेरे तरफ देख नहीं रहे, तो इस बच्चों को मैं कैसे कहूं कि तुम थिएटर करते रहो और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भाग ले लो। जैसे मौत से तुमने कहा था कि लोगों के बीच में काम करने का मतलब क्या है, फिश इन द वॉटर, और व्हेन ही सेड लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, आई वॉन्ट टू आस्क, हैव वी रियली लेफ्ट 100 फ्लावर्स टू ब्लूम इन थिएटर? वी हैव नॉट, वी जस्ट हेट एवरी अदर फ्लावर। इफ आई एम अ क्रिसैंथेमम, आई डोंट वॉन्ट जास्मिन टू ब्लूम, आई थिंक जास्मिन इज अ बैड फ्लावर। इसी फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले जब बादल दा और उत्पल दत्त के बीच में झगड़ा चल रहा था, एक दिन मैं बादल दा से पूछा, बादल दा आप छोड़िए ये झगड़ा, एटलीस्ट हमें इस झगड़े में मत फंसाइए, मैं मेरे सिचुएशन में मैं प्रोसीनियम थिएटर करता हूं या स्ट्रीट थिएटर करता हूं, आपको क्यों प्रॉब्लम है? आप ठीक है, आप अपने स्ट्रीट थिएटर कर लीजिए, मगर मुझे मेरा थिएटर करने को छोड़िए। नहीं, तुम प्रोसीनियम थिएटर करोगे तो तुम रिएक्शनरी हो। एंड फ्रॉम द अदर साइड द सेम थिंग, तुम स्ट्रीट थिएटर इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अमेरिका से पैसा मिल रहा है। बादल दा के ऊपर हमने ऐसा अक्यूजेशन किया कि तुम स्ट्रीट थिएटर इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अमेरिका से पैसा मिल रहा है, और बादल दा ने उत्पल दत्त से ये अटैक किया कि तुम प्रोसीनियम थिएटर कर रहे हो क्योंकि तुम रिएक्शनरी हो। ये झगड़ा हमें खत्म करना है, ये जो हायरार्की हमने क्रिएट कर लिया है उसको खत्म करना है। थिएटर डूइंग थिएटर इटसेल्फ इज रेवोल्यूशनरी, जो भी थिएटर हो। राम नाम लेते एक कोई नाटक करता है तो मुझे जाके उसको इतने ही श्रद्धा से देखना पड़ेगा जितने श्रद्धा से मैं रेवोल्यूशन के जो नाटक देखता हूं, क्योंकि नाटक होगा गुजराती में, नाटक करने वाले होंगे आम लोग, कोई मूर्ख नहीं है, बड़े बहुत साहूकार लोग आके नाटक करे। सो आई थिंक डूइंग थिएटर इटसेल्फ इज रेवोल्यूशनरी, स्पीकिंग प्लेनली इन गुजराती इटसेल्फ इज रेवोल्यूशनरी, लिविंग द लाइफ ऑफ अ गुजराती और कन्नड़िग और बंगाली इज रेवोल्यूशनरी। ऐसा समय आ गया है कि इसको एस्टैब्लिश करें हम, इसको हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो ग्लोबलाइजेशन हमें छुएगा नहीं, ग्लोबलाइजेशन विल डाई ऑफ इट्स ओन रिसेशन। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कमिंग इन टू अहमदाबाद बिकॉज ऑफ देम, इट इज वी हु हैव ब्रॉट इट। आज सुबह मैं यहां वॉकिंग पे गया और हैरान हो गया, ये जो हाईवे पे देख रहा हूं, एवरीथिंग इज वोडाफोन, टेलीफोन, दिस दैट, आई मीन इट इज फिल्ड अप विथ ऑल द मॉल्स, हु हैव कंस्ट्रक्टेड दिस मॉल्स। उसमें एक छोटा ये भी होता है पटेल आर्केड, विद्यापति आर्केड और वट एवर, नो, हु हैज बिल्ट दिस पटेल आर्केड? इट इज वी हु हैव बिल्ट दिस पटेल आर्केड। लेट मी टेल यू, फाइनली लेट अस स्नैच दिस स्लोगन फ्रॉम द राइट विंग। राइट विंग कैनॉट हैंडल कल्चर, वी हैव टू टेक इट अवे फ्रॉम देम, बिकॉज वी हैव बीन, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम ए थिएटर पर्सन, एज अ थिएटर पर्सन आई अंडरस्टैंड थिएटर, सो लेट मी टेक इट अवे फ्रॉम देम एंड लेट मी टॉक ऑफ द गुजराती प्राइड एंड कन्नडा प्राइड, देन आई विल बी टॉकिंग ऑफ गुजराती प्राइड एज नॉट अ हिंदू प्राइड। I think Gujarati pride, there is nothing wrong with it. There is something wrong with it only when it becomes a hierarchical pride. Why should it become a hierarchical pride? Gujarati pride is a pride of the poor man who cannot go abroad, who cannot be an NRI. The moment you provide the NRI to raise the slogan, then he will fund your right wing. So there is a lot that we have to introspect. There is a lot that the left has to introspect.
देयर इज अ लॉट दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर एनिमीज। मैं ये चीज बार बार कहता आ रहा हूं कि भैया वो लोग झूठ नहीं बोल रहे, वो अर्ध सत्य बोल रहे, क्योंकि पूरा झूठ जब बोलता हूं तो लोगों को पता चलता है कि झूठ बोल रहा है। लोगों को साथ लेने के लिए वो लोग अर्ध सत्य बोलते हैं, हमें ये जरूरी है कि उस अर्ध सत्य में जो आधा सत्य है उसको हमें लेना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, उसमें जो आधा झूठ है उसको फेंक दो और लोगों को कहो कि आधा सत्य को आधा झूठ मिलाकर ये आदमी कह रहा है तुम्हें तुम्हारा वोट लेने के लिए। वो कह सकते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है। हमने वो गलती किया है। थिएटर का एक खूबी यह है कि थिएटर में आधा सत्य हम नहीं बोल सकते, क्योंकि थिएटर में मैं नहीं हूं, मैं किसी और का पात्र लेके स्टेज पे खड़ा होता हूं, मैं एक बंदर बन जाता हूं, एक कॉमेडियन बन जाता हूं, तो मैं जो भी बोलता हूं उसको लोग हंसकर लेते हैं या रोते लेते हैं, वो उसको उसमें जो आधा जो विष है उसको हटा के वो लेते हैं थिएटर में। सो आई डोंट थिंक देर इज अ नीड फॉर अ वेरी बिग आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स, देर इज अ नीड फॉर डूइंग गुड सम्प्टुअस थिएटर एंड देर इज अ नीड फॉर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिएटर, एजुकेशनल थिएटर, कम्युनिटी थिएटर, स्ट्रीट थिएटर, रेवोल्यूशनरी थिएटर, एवरी टाइप ऑफ थिएटर शुड बी डन एंड एनकरेज। एंड विद दिस आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम टू गुजरात। आई एम स्टिल प्राउड ऑफ गुजरात वेयर वुमेन कैन एक्चुअली वॉक अराउंड। टूडे एट 5 o'clock आई सॉ वुमेन वॉकिंग अलोन, that they were taking a walk at 5 o'clock. In Bangalore, you can't do that. And this is a contribution not of Modi, not of Waghela, not of Congress, not of BJP. This is a contribution of the culture of this state. Let us be proud of this culture. Let us be proud of this culture and move ahead from here. Thank you very much. Earlier also I have seen when Prasanna talks, he talks of elemental theater. The very word theater means many things to him and he was trying to communicate. I hope he was not handicapped by speaking in Hindi. Actually, I was going to request you that you may continue in English. And it's good that he also opens this for wider discussion among the students. You know, one thing in the beginning I wanted to tell you, that we have attended many such seminars, but I see only 5% white-haired people like me, like few friends there, but I see many black-haired people. That is, I think, coming awareness in the theater and the efforts that Irene and Sarup Ben has done to organize this consultation. I would request to ask questions on theater and how theater can contribute into resolving socio-political conflicts from the students and students more. Wo kehte hai na ki dikhna chahiye, बॉम्बे जाना है नहीं जाना है, टीवी में जाना है नहीं जाना है, मेरा एक शूटिंग है तो